10th जुलाई अभी हमारा मॉनसून ट्रफ नॉर्थवर्ड स्वाभाविक से नॉर्थवर्ड लोकेशंस में है हमारा ईस्टर्न एंड, इसका वजह से रेनफॉल अमाउंट वाइज कम है स्वाभाविक से। पिछले 24 घंटे में केवल कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटी के साथ बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश था चांदबाली में भद्रक डिस्ट्रिक्ट का 49.4 मिलीमीटर, उसका बाद मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का बारीपदा 48.4 मिलीमीटर, गंजाम डिस्ट्रिक्ट धाराकोट 36.0 मिलीमीटर, स्टेट एवरेज रेनफॉल था 2.1 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 9.2 मिलीमीटर। अभी हमारा सीजनल जो बारिश है 222.7 मिलीमीटर बारिश हुआ है, स्वाभाविक होता है 1 जून से आज 10 जुलाई तक 304.2 मिलीमीटर, तो 27% कम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज 11 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक और स्वाभाविक से ज़्यादा हुआ है, 19 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से कम हुआ है अभी। और फोरकास्ट जो है अगला 5 दिन का हमारा, नेक्स्ट 24 आवर्स में साउथ इंडियन टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में बाकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का ज्यादा पॉसिबिलिटी है कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट जैसे मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ कालाहंडी कंधमाल ओंगोल ढेंकनाल केन्दुझर मयूरभंज। फिर कल स्लाइटली बारिश इंक्रीज करने का चांसेस है मेनली साउथ विशाखा डिस्ट्रिक्ट में, इसमें मेनी प्लेसेस में बारिश का पॉसिबिलिटी है। नॉर्थ उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर पॉसिबिलिटी है, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल कल हो सकता है कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर नवापड़ा रायगढ़ कालाहंडी गजपति गंजाम ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। 12 तारीख में भी सेम टाइप रहेगा, साउथ में मेनी प्लेसेस में नॉर्थ में कुछ कुछ स्थानों पर। 13 तारीख में फिर स्लाइट कम हो सकता है बारिश, 14 तारीख में फिर मेनी प्लेसेस में बारिश इनक्रीज होकर के मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम हो सकता है और एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल का भी पॉसिबिलिटी है। भुवनेश्वर सिटी में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी आज है।